ये हमारी ग्लैड की क्रीम है, ये स्मूथनिंग क्रीम सॉफ्ट कॉफ की, ये है हमारी फर्स्ट क्रीम। और आपको हम दिखाते हैं फर्स्ट क्रीम हम अप्लाई कैसे करते हैं, और उसके बाद हम दिखाते हैं फर्स्ट क्रीम कितने टाइम तक रखेंगे। क्योंकि देखिए स्मूथनिंग क्रीम का क्या होता है कि वो बालों पे डिपेंड करती है कि हमारे बाल कितने टाइम में बॉन्ड तोड़ते हैं, बॉन्ड यानी कि कितने टाइम में हमारे बाल अपने उस पर आते हैं। क्योंकि देखिए स्ट्रेट कोई फल बाल हैं, हमें वो स्ट्रेट करने हैं तो फिर हमें उसी का टाइम रखना पड़ता है, हमें चेक करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम चेक करते रहेंगे हर 10 मिनट पर तो हमें पता चल जाएगी कि हमारे बालों का बॉन्ड टूटा है या नहीं। ठीक है, हम उसी टाइम तक अपनी क्रीम रखेंगे और क्रीम अप्लाई बहुत अच्छे से करेंगे अपनी दो फिंगरों के बीच में। ये देखिए अपनी दो फिंगरों के बीच में मसाज करने के बाद तो क्रीम अप्लाई करेंगे। ये देखिए आपके पास है, और आप पार्टीशन भी देख सकते हो कि हम कितना छोटा छोटा पार्टीशन ले रहे हैं, देख सकते हो। और अपनी जो स्केल है हम स्केल छोड़ के अपना तब लगाएंगे। ठीक है, स्केल से नहीं चेक करेंगे। देखिए जब हम अपने बालों का बॉन्ड चेक करते हैं तो हम चेक कैसे करते हैं, पास लेके आइए, बिल्कुल पास लेके आइए। हम देखिए ये बाल लेते हैं हम और इसे हम ऐसा खींच के देखते हैं। ठीक है, जब ये हमारा बाल रबड़ की तरह खींचने लगता है और खींच के फिर वहीं चला जाता है। ये देखिए, देख रहे हो आप, ये देखिए ये एक बाल लिया हमने, इसे हमने रबड़ की तरह खींचा, टूटा नहीं, ए ये आ गया वहीं। अगर ये रबड़ की तरह खींच रहा है और खींच के फिर वहीं जा रहा है तो समझो हमारा बॉन्ड टूट चुका है, हमारी क्रीम अपना काम कर चुकी है। ठीक है, उसके बाद हम वॉश कर देंगे उसे। ये देखिए अगर हम नॉर्मल बाल ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींचने पे नॉर्मल बाल बिल्कुल टूट जाएगा और ये रबड़ की तरह खींच रहा है, आप देख सकते। देखिए ये हमारा क्रीम के बाद का वॉश है जो हमने लिया है गर्म पानी। पहली क्रीम में हम लेते हैं गर्म पानी और गर्म पानी से वॉश करेंगे। और आपको हम डिटेल में बता दें कि जितना हम क्रीम लगाने में मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा हमारी मेहनत क्रीम निकालने में लगती है, समझ रहे हो। जब हम क्रीम निकालते हैं तो हम उसे मसाज के तरीके से निकालते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, आप देख सकते हो जितने अच्छे से हम मसाज से क्रीम निकालेंगे हमारा उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा। हमने क्या कि जितने अच्छे से आप क्रीम निकालोगे ना उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आने वाला है, शाइनिंग आने वाली है, आप देख सकते हो। इन्होंने 4 से 5 साल पहले मेहंदी लगाई है, आप देख सकते हो मेहंदी वो भी निकल जाएगी और रिजल्ट भी आप देखोगे। जितना अच्छा मसाज से हम बाल में क्रीम निकालेंगे उतना ही अच्छा हमारा रिजल्ट आएगा, इसलिए मसाज उतनी करो जैसे कि हम क्रीम लगाते हैं ना, वैसी हमारी बालों की मसाज निकालने में भी होनी चाहिए। बिना मसाज की क्रीम कभी भी मत निकालना और नॉर्मल पानी से मत निकालना, हमेशा गर्म पानी यूज करना। हमारे वॉश के बाद का पहला ड्रायर जो हमने फर्स्ट वॉश कराया है, उसके बाद पहले ही वॉश के बाद कितना अच्छा रिजल्ट है, पहली क्रीम के बाद कितना अच्छा रिजल्ट है आप देख सकते हो, कितनी अच्छी शाइनिंग भी है। और ये ध्यान रखना कि हम जितना भी ड्रायर करेंगे ठंडा ड्रायर करेंगे, बिल्कुल ठंडे ड्रायर से हम सिखाएंगे अपने बालों को, उसके बाद मीडियम ड्रायर से सिखाएंगे, फिर उसके बाद न्यूट्रलाइजर लगाएंगे, ऊपर को ही प्रेसिंग करेंगे। ठीक है, ऊपर को ही प्रेसिंग करेंगे हम, अगर हम ऐसा करके ऐसा करेंगे ना तो ये हमारे बाल यहीं से टूट जाएंगे, समझ रहे हो। वो तुमने देखा है जो बहुत से आते हैं कि हमारे तो स्मूथनिंग के बाद ऊपर से टूट गए, वो यही रिजल्ट है, समझ रहे हो। तो इसलिए जो भी टॉप का बाल है उसे ऐसा करके ऊपर को करो सीधा, समझ रहे हो, फिर यहाँ से लो। अब देखो यहाँ देखो बिल्कुल पास, देखिए कितनी अच्छी चमक आ रही है बालों पर,
क्योंकि हम जब प्रेसिंग अच्छे से करेंगे ना, एक लेंथ पे 7 से 8 बार प्रेसिंग होगी तो हमारी चमक बहुत अच्छी होगी प्रेसिंग की। इसीलिए गाइस सबसे अच्छा है कि आप प्रेसिंग अच्छा करो, जो हमारी फर्स्ट क्रीम के बाद की प्रेसिंग होती है वो बहुत अच्छे से करो, तो हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा। देखे इसे बंद कर ले जरा, अंदर मेरी आवाज़ के। हमारा यहाँ दिखाओ, ये है हमारा न्यूट्रलाइजर एन, ठीक है, ग्लैड का है, सॉफ्ट स्कोप का, बहुत अच्छा है। और इसे अप्लाई करा है हमने अभी, आप देख सकते हो, और बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, खूब अच्छे से अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद में सीधा करो ऐसे, हाँ नीचे रख कर। अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए तो मुझे यार बिल्कुल ऐसा लग रहा है, देखिए अप्लाई कैसे करना है। हमें अपने ब्रश पे लेना है और कम क्वांटिटी नहीं रखनी है, बिल्कुल बहुत अच्छे से खूब क्वांटिटी रखनी है। क्वांटिटी के बाद मसाज करनी है, आप देख सकते हो बहुत अच्छे से मसाज करनी है, और बिल्कुल सीधी सीधी मसाज करनी है, बिल्कुल ऊपर नहीं जाना है कि जिससे के बाल हमारे ऊपर, नीचे के बाल ऊपर जाएं। हम मसाज करते हैं बिल्कुल सीधे सीधे हाथों से मसाज करनी है, और हमें पॉम से बिल्कुल स्ट्रेट बाल रखने हैं, आप देख सकते हो बिल्कुल स्ट्रेट बाल रखने हैं, उन्हें मोड़ना नहीं है कहीं भी। ये देखिए हर बाल के एंगल पर पॉम करेंगे, एक भी बाल में बल नहीं आना चाहिए, सारे बल निकालेंगे हम बालों के। हमारा जो हमने न्यूट्रलाइजर लगाया था और फाइनल वॉश है ये हमारा, आप देख सकते हो फाइनल वॉश के बाद रिजल्ट कितना अच्छा आया है। ये हमारा फाइनल वॉश है। आप स्मूथनिंग में हमारे 3 वॉश होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये हमारा थर्ड है, आप देख सकते हो, ये देखिए। और आपको अभी हम फाइनल रिजल्ट भी दिखाते हैं। और देखिए जब हम फाइनल वॉश करते हैं उसमें हमारा मार्क्स भी लगता है। अभी हमने क्रीम निकाली है, उसके बाद हम मार्क्स अप्लाई करेंगे और उसे भी हम वॉश कर देंगे, और उसके बाद दिखाते हैं आपको फाइनल रिजल्ट। देखिए वेलवेटी का मास्क यूज कराया हमने, और ये मास्क हमने अप्लाई कराया अपने हेयर पर, आप देख सकते हो कैरेटीन मास्क है ये, बहुत अच्छा मास्क है कैरेटीन मास्क। और अप्लाई करने के बाद में हम इसे वॉश करेंगे, 2 से 3 मिनट हम रखेंगे, फिर उसके बाद हम वॉश करेंगे बालों को और फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे आपको स्मूथनिंग का। चलिए कर लीजिए, चलो हो गया है, आपका भी फेस आना चाहिए ना। हाँ देखिए ये है हमारा फाइनल रिजल्ट, आप देख सकते हो फाइनल रिजल्ट हमारा स्मूथनिंग का, स्मूथनिंग का फाइनल रिजल्ट है। ये देखिए करिए, जितनी अच्छे से प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही जल्दी केमिकल वॉश करना सीखोगे आप।